मध्य प्रदेश में आज से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। प्रदेश के लोगों को फिलहाल तेज बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में अति भारी बारिश और 17 जिलों में तेज बारिश के 2 अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। अगस्त के पहले दिन ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण बारिश से राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 31 जुलाई करीब 480 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक प्रदेश सामान्य की तुलना में 14% अधिक बारिश हो चुकी है। अभी देखा गया तो एमपी में बारिश बढ़ने का चांसेस है, एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने का भी चांसेस है 24 आवर्स में। और अभी का मानसून ट्रफ का पोजीशन ऊपर है, तो जैसे एमपी रीजन सब ट्रफ के साउथ में आएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो राजस्थान के ऊपर भी है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात कोस्ट में भी है। तो सारा सिस्टम सभी काफ़ी मॉइस्चर फीड कर रहे हैं हमारे रीजन में, और आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल का हमने वेरी हेवी रेनफॉल आज वेस्ट एमपी में आज और कल रहेंगे, और Day 3 में तीसरे दिन से और थोड़ा बढ़ने का चांसेस है। कुछ कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी तक जा सकते हैं। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो भी आज भी वेरी हेवी है, कल परसों आइसोलेटेड प्लेसेस में हमने एक्सट्रीमली हेवी प्रपोज कर रहे हैं। तो लगभग अभी आने वाले 2-3 दिन में प्रदेश के काफ़ी रीजियन में रेनफॉल में इंक्रीज रहेंगे। रेड अलर्ट हम दे रहे हैं अभी ईस्ट एमपी कल से दे रहे हैं, कल और परसों के लिए दे रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हमें आइडेंटिफाई करके थोड़ी देर में हम बताएंगे।